13 साल के इस बच्चे का चेहरा देखकर शायद ही कोई ये कह पाएगा कि ये बच्चा इतनी सी उम्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कामयाब जगह बना चुका है। 5 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों और कलर पेंसिल से दिल बहलाते हैं, इस नन्हे से सिंध में पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान से रहने वाले बाबर इकबाल कंप्यूटर्स में दिलचस्पी रखते थे। बाबर की इस दीवानगी ने उन्हें 9 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज दिलाया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आज 13 साल की उम्र में बाबर दुबई में जारी माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ्रेंस के लिए एप्लीकेशंस डिजाइन कर रहे हैं और इनके काम से खुश होकर माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें रिसर्च के लिए अमेरिका आने की दावत भी दी है। उन्होंने मुझे रेडमंड इनवाइट किया ताकि मैं प्रोजेक्ट नताल और एक्सबॉक्स की टीम से मिल सकूं और माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट एग्जीक्यूटिव से मैं मीटिंग कर सकूं। बाबर अपनी कामयाबी से खुश तो हैं, लेकिन इनका मानना है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। मैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ काम करना चाहता हूं और यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना चाहता हूं और उन लोगों तक ये रिसोर्सेज पहुंचाना चाहता हूं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकते। आमतौर पर जहां 13 साल के लड़कों की जिंदगी स्कूल और मोहल्ले की क्रिकेट तक महदूद होती है, बाबर अपनी उम्र के बाकी बच्चों से खासे मुख्तलिफ हैं। छोटी उम्र में बड़े ख्वाब देखने वाले बाबर की लगन ये साबित करती है कि यकीनन बाबर जैसे बच्चे और नौजवान ही अलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर हैं। इरफान खान, जियो न्यूज़, दुबई।